देखिए दोस्तों, मुझे सुबह मैं 5 बजे से बस में यात्रा कर रहा हूँ दोस्तों। और आपने देखा होगा मेरा चैनल एकदम डाउन हो गया था, तो मैं अभी रात को मेरा शाम के 6 बजने वाले और अंधेरा हो गया, तो मैं इस ऐसे स्थान पर जाने वाला हूँ जहाँ पर मैं किसी इंसान को नहीं जानता हूँ दोस्तों। तो मैं नई जगह पे जाने वाला हूँ, देखो मेरे साथ क्या होता है, मैं आगे की कहानी आपको दिखाता रहूँगा। मैं आप तो जानते हैं टैग चैम्पियन सपोर्ट जो इंटोर वाले बाबा होते हैं, वो सभी लोगों की सपोर्ट करते हैं, तो उन्हीं के पास मैं जा रहा हूँ। और मुझे नहीं मालूम मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि अभी आज के संडे के दिन वो मिलते हैं दिन में, लेकिन मुझे नहीं मालूम था। ये गाड़ी में चलते चलते बहुत ही लेट हो गया था, तो अंधेरा हो गया है। तो दोस्तों, तो देखिए सफ़र मेरा कैसा होगा, मैं आपको पल पल की खबर देता रहूँगा दोस्तों। देखिए मैं बाहर का भी दिखा रहा हूँ, अंधेरा होने जा रहा है और मैं अभी यात्रा कर रहा हूँ दोस्तों, बस के अंदर चल रहा हूँ दोस्तों। और मैं किसी इंसान को नहीं जानता हूँ, ना वो मुझे जानते हैं, लेकिन मैं संडे के दिन आने वाला था, आज ही के दिन वो मिलते हैं दोस्तों। तो देखिए क्या होता है, आगे की कहानी हम आपको बताएँगे। देखिए वो हमारी सपोर्ट करते हैं, हमारा कितना सम्मान करते हैं, हमारा निरादन करते हैं, ये तो आपको वीडियो के अंदर ही मालूम पड़ेगा, आगे देख। तो देखिए दोस्तों, मैं फतेहपुर स्टेशन पर उतर गया हूँ, देखिए इस गाड़ी से उतरा हूँ मैं। और तो दोस्तों 6 बज चुके हैं दोस्तों, अब मैं जाने वाला हूँ शिव वाले बाबा जी के घर पे, उनके स्कूल पर। देखो दोस्तों, मैं उन्हें नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते हैं, फिर भी देखो मैं उनके पास सपोर्ट के लिए जा रहा हूँ। जो दोस्तों क्या होता है, ये मैं देखो स्टेशन पर गया हूँ, ये सारी दुकानें हैं दोस्तों। और देखिए मेरे साथ क्या होता है मुझे नहीं मालूम दोस्तों, लेकिन मैं अपनी तकदीर को लेकर उनके पास जाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमने साकेली गाड़ी को पकड़ लिया है और जाने वाले हैं यूट्यूब वाले बाबा जी के घर पर। देखिए वो हमारी कितनी सपोर्ट करेंगे, आगे वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे दोस्तों। तभी हम साकेली बैठ चुके हैं। ये दोस्तों मैं अपने सर के पास आ गया हूँ, इन्होंने मेरी बहुत खुशामद की और बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँ, इनका चना अचानक से डाउन हुआ, जिसकी वजह से इनके व्यूज क्या हुआ, मोनेटाइजेशन तो पहले चना पे चल रहा था, और जैसे मोनेटाइज हुआ यूट्यूब ने इनके वीडियो को डाउन कर दिया, क्योंकि एल्गो में बदलाव होते रहते हैं, बहुत परेशान हो गए। तो अब इनको क्या करना, मैंने जो करना है वो इनको बदलाव मैंने बता दिए, ये चेंज करेंगे उस चीज़ को और कुछ अलग कंटेंट से बताएंगे। सेम वैसे बनाते हैं ना, तो कुछ नई चीज़ फिर से डालो आप इमोशन करके, ठीक है। बाकी आपका चना बढ़िया चलेगा, $15 भी बन गया, क्या दिक्कत है यार। सर बहुत अच्छे आदमी हैं, चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए भैया के चैनल को, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सपोर्ट करिएगा, ठीक है। ओके, आराम से जाइए आप, ठीक है, परेशान मत होइए। ओके चलिए, ठीक है, सर का आशीर्वाद हमें मिल चुका है दोस्तों, बस कंटिन्यू काम करो आप बस, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं अंशु मौर्या जी भैया से मिलके आ गया हूँ, और मैंने घर पे जाने के लिए टिकट भी खरीद लिया है। अब मैं जाने वाला हूँ, फैजाबाद के लिए रवाना होने वाला हूँ। तो देखिए मैं रेलवे स्टेशन का बीच जा रहा हूँ दोस्तों, तो मेरे हाथ में टिकट है और मैं उन भैया से मिलके भी आया हूँ, और बहुत अच्छे आदमी हैं। तो अभी मैं ट्रेन के अंदर बैठूँगा, तो उसका भी आपको वीडियो दिखाऊँगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ट्रेन चल आ रही है, ये आ गई है ट्रेन, और मेरे हाथ में टिकट है, मैंने घर पे जाने के लिए टिकट ले ली है दोस्तों। अभी मैं जाने वाला हूँ अपने घर, अंशु मौर्या भैया से मैं मिलके आया हूँ, और उन्होंने मेरे चैनल को सही बताया है कि अभी मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, तो इसलिए वो डाउन हो गया है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये देखिए ट्रेन, अब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा चैनल बहुत अच्छे से चल रहा है, आगे के लिए आपको दिखाता रहूँगा दोस्तों, अच्छे अच्छे वीडियो दिखाऊँगा। फैजाबाद की हमने ट्रेन पकड़ ली है, अब फैजाबाद ट्रेन में हम बैठने वाले हैं दोस्तों, मिलकर ट्रेन हमने स्टेशन पर पकड़ ली है और जाने वाले हैं फिरोजाबाद अपने घर, तो ठीक है दोस्तों। गरम गरम खाइए, 20 का 3 20 का। हम ट्रेन के अंदर बैठ चुके हैं दोस्तों। तो देखो ये भाई हमारे मुस्कुरा रहे हैं, हम ट्रेन के अंदर बैठ रहे हैं और भारी खुश हैं। हाँ, हमारे हमारे ये भाई भी है, देखो ये भाई भी अपनी सफर को तय कर रहे हैं, ये यानी हैप्पी जर्नी दोस्तों, सभी लोगों की यात्रा मंगलमय हो, अच्छे से अपने घर पे पहुंचिए। भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ मैं, सभी लोग अपनी खुशी खुशी अपने घर पे जाएं और खुशी आइए। ये लोग भी देखिए मुस्कुरा रहे हैं भैया, ये सामने मुस्कुरा रहे हैं भैया, देखिए ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं दोस्तों, बहुत खुश हैं दोस्तों। इंट्री करके फोटो मत काट दे यार।
ट्राई करो भैया। हाँ हाँ दोस्तों भैया और सब्सक्राइब करें यार। ठीक है दोस्तों, तो हमने भैया जी भैया सारे भैया पैसेंजर बहुत खुश हैं, हमसे बोल रहे हैं वीडियो बनाने के लिए बोल रहे थे, तो हमने वीडियो इनकी बना दी है और इनको भी देखिए बारीक खुश हैं और अभी यात्रा को अच्छे से कर रहे हैं दोस्तों। भैया समोसे खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं। देखियो आपने इन्हें कुछ दिखा दिया, भी बहुत खुश है दोस्तों। दिखा दो यार। और आपने देखा हमको भी देखे भैया। हाँ भैया का सब्सक्राइब बढ़ाओ भैया लोगों। भैया जी बोल रहे हैं हमें सपोर्ट करें और सब्सक्राइब बढ़ाए भैया। देखिए हम कानपुर स्टेशन पे उतर गए हैं दोस्तों, अब हम जाने वाले हैं बस स्टैंड और बस स्टैंड से हम बस को पकड़ने वाले हैं दोस्तों। ये कानपुर अपना रेलवे स्टेशन है दोस्तों, देखिए कितना अच्छा लग रहा है अपना रेलवे स्टेशन। तो देखिए दोस्तों हम अपने आसाबाद क्षेत्र आसाबाद चौराहे पर उतर चुके हैं, हम यदुवंशी मौर्या जी से मिलके आ गए हैं और देखो हम अपने अब जाने वाले हैं अपने गांव पर गांव में। तो देखिए अभी हमने अपना पूरा प्रोसेसर आपको सफ़र का दिखाया है कि अपने आसाबाद पे हम आ गए हैं और यहां से हमारा 14 किलोमीटर हमारा गांव पड़ता है, रूपवास है, वहीं पर अब हम अपने गाँव को जाने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमारे घर के लिए जाने वाला ये टेम्पू, हमने अपने घर के लिए पकड़ लिया ये टेम्पू, ये हमारे घर पे सीधा हमें ऑन रोड पे उतारने वाला है। ये हमारे घर का रास्ता है सीधा दोस्तों, हमने अपना पूरा सफर आपको दिखा दिया। तो चलिए